जिनको भोंकना है उन्हें भोंकने दो, मैं अपना काम करता रहूंगा। ये सारे मिजाज हैं भोजपुरिया दम स्टार खेसारी लाल यादव के। तो चलिए हम आपको बताते हैं क्या है पूरा माजरा, क्यों भड़के हैं खेसारी लाल यादव लोगों पर। और तो और अपने विरोधियों को कैसे धूल चटानी है ये कोई खेसारी लाल यादव से सीखे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम आपको बता दें कि खेसारी लाल यादव इन दिनों इलाहाबाद में हैं, अपनी फिल्म आशिकी की शूटिंग कर रहे हैं। पराग पाटिल वाली फिल्म है ये। तो यहाँ पर खेसारी लाल यादव एक इंटरव्यू देते हैं जहाँ पर खेसारी लाल यादव ये कहते हैं कि मैं हाथी हूँ और मेरे विरोधी जो है वो कुत्तों के समान है, इन्हें भोंकना है भोंकने दीजिए, मेरा काम है चलना, मैं चलता रहूँगा। यहाँ खेसारी ये कहते हैं कि मैंने भोजपुरी इंडस्ट्री को ये सिखा दिया है कि किस तरह से दान धर्म करना चाहिए। मेरे से पहले तो कभी कोई कलाकार जनता में जाकर कभी किसी को कुछ नहीं देता था, मैंने देना शुरू किया तो लोगों ने भी मेरे पदचिन्हों पे चलना शुरू किया। आज लोग जनता में सामग्री बांट रहे हैं। यहाँ पर सीधा सीधा इशारा पवन सिंह को था। और तो और हम आपको यहाँ ये भी बता दें कि खेसारी लाल यादव ने अपने विरोधियों की जमकर क्लास ली। यहाँ पर उन्होंने ये कह दिया कि जब समाज ने सीता मैया को नहीं छोड़ा तो मैं कौन सी बहुत बड़ी चीज़ हूँ, यहाँ पर तो मुझ पर भी छींटे कसे उठेंगे, लेकिन मेरे लिए भगवान मेरी जनता है तो मैं उनके लिए वो काम करूँगा। और तो और खेसारी ने यहाँ लोगों को ये भी कहा कि उन्हें भी बढ़ चढ़ कर गरीबों की मदद करनी चाहिए, क्योंकि जो संपन्न हैं अगर वो करेंगे तो इससे समाज में एक अच्छा मैसेज लोगों को जाएगा। यहाँ पर खेसारी ने ये भी कहा मेरे विरोध करने वाले जितने हैं आजकल वो भी लोगों की खूब मदद कर रहे हैं, कम से कम मेरे चलते वो कुछ लोगों का भला कर रहे हैं। खेसारी ने ये कहा कि मैं अपने विरोधियों का मुंह बंद नहीं कर सकता, जिसे जो बोलना है बोले, क्योंकि मेरा कद अब ऊंचा उठ चुका है। इसके बाद खेसारी लाल यादव यही नहीं रुके, उन्होंने हर एक अपने पर लगे इल्ज़ाम की सफाई दी और ये कहा कि जिसको मेरे साथ फिल्म करनी है वो करे, जिसको नहीं करनी है मैं किसी को रोक नहीं सकता, सभी यहाँ अपने मर्जी के मालिक हैं। और खेसारी किसी के पास ज़बरदस्ती जाकर फिल्म करने के लिए रिक्वेस्ट भी नहीं कर सकता। यहाँ ये सारा इशारा काजल राघवानी को था। वैसे ये पहली मर्तबा नहीं है जब खेसारी लाल यादव पर इस तरह की उंगलियां उठ रही हैं। खेसारी पर लगातार कई बार इस तरह की उंगलियां उठती रहती हैं, लेकिन खेसारी अपने आप को बिल्कुल किस तरह से विवादों से अलग रखना है ये बखूबी जानते हैं। आप क्या सोचते हैं इस बारे में हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा।